अब तक आपने देखा साईं जलती धूनी से विभूति लेकर भामा का इलाज करते हैं। अगले दिन स्वर्णाबाई शिरडी पहुंचती है। कुलकर्णी का समर्थन जुटाने के बाद वो कुछ दिनों तक अपना तमाशा शिरडी में करने की घोषणा करती है। भिक्षा मांग रहे साईं और स्वर्णाबाई का आमना सामना होता है। साईं के शिरडी वापस लौटने के बाद त्र्यंबक उनसे माफी मांगना चाहता है। अब आगे मैं जानता हूं मेरा गुनाह क्षमा योग्य नहीं है। चाहे मैं कितना भी पश्चाताप कर लूं, वो कम है। लो कर लो बात, फिर वही बात। अरे एक ही बात को कितनी बार आप बोलेंगे? हाँ साईं, ये तो उस दिन से बस रोए ही जा रहे, बार बार माफी मांगते रहते हैं सबसे। खैर जाने दीजिए इनकी बात, मेरे पास माफी मांगने का ना बढ़िया तरीका है। साईं, ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, खास करके नमकीन। पर इतने सारे पकवान मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ले लो साईं, गुणवंता के हाथ का खाना बड़े भाग्य वालों को मिलता है। आज तक मैंने इसे खाना खाते हुए देखा है, पकाते हुए कभी नहीं। अपनी कमियों को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उनका एहसास होना, और वो एहसास तुम्हें भी हुआ है त्र्यंबक, और मुझे भी। अपने इस नए जीवन का स्वागत करो, इसके हर पल को सार्थक बनाओ त्र्यंबक, सुखी रहो। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आई हूँ वो पूरा हो, मेरा जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। मेरी तरफ से सोने के? हाँ। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? स्वर्णा भाई के सारे पैसे का हिसाब किताब तुम्हारा गुना जी देखता है। स्वर्णा भाई को तो मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, वो तो दीवानी है मेरी, और मैं तुम्हारा। लेकिन अगर स्वर्णा भाई को पता चला कि तुम मुझसे? वो तो मेरे प्रेम में अंधी हो चुकी है, तुम परेशान मत हो, वो तो क्या किसी को भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी उम्र ढल रही है स्वर्णा भाई की, थोड़े समय बाद तो कोई देखने भी नहीं आएगा उसे। मुझे उसकी जगह किसी और लड़की को तैयार करना होगा, और शायद मुझे वो लड़की मिल गई है। चंपा आ गई गाना सीखने। आज क्या सिखाएंगे आप? आप बैठो। तो आज हम सीखेंगे सरगम। अब मेरे पीछे बोलना,
सा सा रे रे सुवर्णा बाई को तो कोई लाश शर्म है नहीं। जब से आई है तब से गांव के पूरे आदमियों के आंखों का पानी उतर गया है। जिधर देखो बस उसी के नाम के चर्चे हैं। पूरा माहौल खराब कर दिया है इस तमाशे वाली बाई ने। नहीं रिहाना, क्यों हर बार औरत ही बदनाम होती है? क्या यहाँ पुरुषों का भी उतना ही दोष नहीं है? उनका कोई दायित्व नहीं? त्रंबक के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें दोष खुद उसी का था। इसी तरह यहाँ पे भी दोष उन लोगों का है जो तमाशा देखने जाते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं वो, इसलिए यहाँ आज भी तमाशा टिका हुआ है। अगर लोग तमाशा देखने नहीं जाएं तो सुवर्णा बाई को मजबूरन शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। और कौन सा सुवर्णा बाई को खुशी मिलती होगी तमाशा करने में? उसकी भी तो कोई मजबूरी ही होगी ना। और जो लोग उस मजबूरी का फायदा उठाएं वो कहीं ज्यादा दोषी हैं। क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुछ गलत कहा मैंने? तुम जैसी माँ पाकर कई बार मुझे खुद पर अभिमान होता है भाईजामा। माँ तो क्षमा, दया, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। माँ के लिए सब बराबर होते हैं। क्या अपना, क्या पराया। और तुमने बिल्कुल सच कहा भाईजामा, हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, वो भी इसलिए कि उसका पेशा, उसका रोजगार, उसकी आजीविका का साधन हमसे जुदा है। और सच तो यह है कि सभी सिर उठाकर जीना चाहते हैं, मुंह छिपाकर कोई नहीं जीना चाहता। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही कहा आपने, जरूर उसकी कोई विवशता होगी, कोई मजबूरी होगी। कमल, कितना काम बाकी है अभी। देखो नई साड़ियों पे कढ़ाई नहीं हुई, फूलों के गजरे नहीं बने, ऐसे ही चलता रहो तो तमाशा कैसे शुरू होगा? अकेली कर पाओगी ये सारा काम? तुम परेशान मत हो, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। मतलब? अगर ये काम गांव की गरीब औरतों से करा जाए तो हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और समय पे हमारा तमाशा भी शुरू हो जाएगा। बुरा नहीं है, गांव की औरतें अगर खाली बैठी रहेंगी खामखा मेरे काम में टांग अड़ाएंगी। काम मिलेगा तो उनका मन भी लगा रहेगा। भिक्षाम दे। मैंने कहा था आने के लिए, लेकिन तब जब तमाशा हो। आज तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। मैं तो तुमसे भिक्षा लेने आया हूँ बहन। फिर बहन? मैं कभी किसी की बहन नहीं हो सकती। कल जो बाजार में लोग थे उनसे जाके पूछो कि मुझ जैसी औरत का क्या स्थान है, क्या दर्जा है। लोग तुम्हें किस दृष्टि से देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है।
महत्वपूर्ण ये है कि तुम लोगों की नजरों में अपनी कैसी छवि दिखाना चाहती हो। अभी तुम ये चाहती हो कि लोग सिर्फ तुम्हें देखें, तुम्हारी सुंदरता को देखें, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जिस दिन तुम्हारी सोच ये हो जाएगी कि लोग तुम्हारे तन की सुंदरता नहीं बल्कि तुम्हारे मन की सुंदरता देखें, लोगों की सोच, उनका नजरिया बदल जाएगा, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। शिक्षा नहीं मिली तो सुबह सुबह लगे प्रवचन सुनाने, लेकिन दुनिया का एक सच तुम मुझसे भी सुन लो। मन की सुंदरता का यहाँ कोई मोल नहीं बहन। तन की सुंदरता उम्र के साथ साथ ढलने लगेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन उसका कोई मूल्य नहीं बचेगा, लेकिन मन की सुंदरता उम्र के साथ साथ बढ़ाई जा सकती है। अब तुम ही बोलो, दोनों में से क्या मूल्यवान है? घर गृहस्थी वाले भिक्षा देते हैं, यहाँ तो चूल्हा भी नहीं जलता बैरागी। हम शिरडी में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और कुलकर्णी सरकार की मेहमान नवाजी में जी रहे हैं। उन्हीं की दया दृष्टि से हम अपना पेट पालते हैं। खैर, तुम स्वर्णा बाई के दर पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। लो, काजल है ये। इस काजल से काला टीका लगा दो सिरडी को, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बैरागी को श्रृंगार की वस्तु का क्या काम? बहन, ये काजल मेरे काम जरूर आएगा। राम जी भला करें। प्रणाम साई। परसों एकादशी है, हर एकादशी की तरह इस बार भी मारुति मंदिर में कीर्तन होगा ना? होगा। आशा करती हूँ कीर्तन के माध्यम से आप कुछ लोगों को ये समझा सकेंगे कि कोई भी आकर शिरडी को अपवित्र नहीं कर सकते। अल्लाह मालिक। इन बेचारी औरतों को कितना डर है मेरा, है ना? कितनी असुरक्षित है मेरे कारण, लेकिन मूर्ख भी है जो इन्हें लगता है कि स्वर्णा बाई का असर ये किसी तरह बेअसर कर पाएंगे। तीखी तीखी अदा मेरे सबसे जुदा, तीखी तीखी अदा मेरे सबसे जुदा, नजर मेरी तेज तरारी। इतना गंदा गाना। शर्म नहीं आती ऐसा गाना गाते हुए? चल मेरे साथ।
अंता जी, मैं सोच रहा हूँ नए कपड़े सिलवा ही लूँ। हाँ अंता जी, सिलवा ही लीजिए। वैसे भी इन कपड़ों में आप मेरे शादी में तो नहीं आ पाएंगे ना। आपकी शादी? आप शादी कर रहे हैं? हाँ। कब, किससे? आपने बताया नहीं। चलिए अच्छा है, हम दोनों एक ही दिन एक ही मंडप में शादी कर लेंगे। अच्छा है। आप शादी कर रहे हैं? कब, किससे? मैं किससे शादी करूंगा? उसी से ही जिसने अभी तक गांव वालों को उस रात की बात नहीं बताई है। कौन, क्या नहीं बताया? अरे वही त्रंबक वाली बात। आपको क्या लगता है वो ऐसी चुप है, मुझसे प्रेम करती है? मैंने उसकी आंखों में साफ साफ देखा है। दिखता तो है अंता जी, दिखता तो है। वैसे वैसे आप मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, आपसे क्या छुपाना। वो चुप मेरे कारण है, क्योंकि वो प्रेम जो करती है मुझसे। एक क्षण रुकिए अंता जी, ऐसा उसने आपसे कहा? अंता जी, प्रेम कहाँ नहीं जाता है अंता जी, महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। अभी आपने देखा नहीं कितने आदर से, कितने प्रेम से ताकते हुए जा रही थी मुझे, नैनों के बाण चलाते हुए, सट सट सट। ओहो, आप भी गलत फहमी में हैं पंता जी। वो मुझे मुझे देखते हुए जा रहे थे, और उस रात भी मेरे कहने पे त्रंबक को पकोड़ा खिलाया था, और वो अब मेरे पीछे पीछे शिरडी में भी आ गई है। अब तो बस शादी की तैयारियां ही बची हैं। सर सर सर, ऐसे ऐसे कैसे कर लेंगे आप शादी? क्या क्या उसने कहा आपसे? पंता जी, प्रेम की बातें बताई नहीं जाती, वो तो महसूस की जाती हैं, महसूस। और मैंने वो महसूस कर लिया है। नहीं 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 नहीं, आपको आपको गलत फहमी है। ठीक है, मैं शर्त लगा सकता हूँ? तो ठीक है लगाइए शर्त। देखते हैं वो किसे ज्यादा भाव देती है, किसे ज्यादा नजरें मिलाती है। साजना करू नकाशी लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी। अंता जी, साजना करू नकाशी लाड़ी गोड़ी, लाड़ी गोड़ी। ये तुम्हारी बात मानती है ना साई? हाँ। तो डांटो इसे। पर हुआ क्या है? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये गाना सीख रही है आजकल। तो इसमें क्या बुराई है? बुराई है साई, ये तमाशे वाले का गाना गाती है, स्वर्णा बाई के पास जाकर गाना सीख रही है। कुछ करो साई, स्वर्णा बाई हमारे गांव के माहौल को गंदा कर रही है। उसने तो अब बच्चों को भी अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। भ्रष्ट कर देगी वो हमारी शेडी को। साई, मैं तो बस गाना सीख रही हूँ स्वर्णा मौसी से। उसने कहा मैं अच्छा गाती हूँ, और गुनाजी मामा ने भी कहा मुझमें प्रतिभा है, मुझे सीखने की जरूरत है। तो फिर माँ इतनी नाराज क्यों हो रही है मुझ पर? साई, वो गाना सीखना बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा गाना सीख रही है तू? तीखी तीखी अदा मेरी सबसे जुदा है, नजर मेरे तेज तरारी, ये कमसिन उमर ये नमकीन अधर, कुरकुरी हो भारी करारी। साजन करू नका अशी लाड़ी गोड़ी, साजना करू नका अशी लाड़ी गोड़ी।
सुना ना साईं, कितना गंदा और अश्लील गाना गाती है ये। पर मैंने तो चंपा की सिर्फ मधुर आवाज सुनी, उसके स्वर, उसकी स्वर लहरियों में गोता लगा रहा था मैं। गाने के बोलों की ओर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, सिर्फ शब्दों की वजह से चंपा की प्रतिभा को मत कुचलो। साई, हम गरीब हैं लेकिन इज्जत है हमारी। दो वक्त की रोटी से अधिक चाह नहीं है हमारी, क्या करेंगे गाना गाकर। औरत के लिए तो केवल गृहस्थी का जीवन ही एकमात्र विकल्प है। जो औरत नाचना गाना करती है, चकाचौंध वाली दुनिया चुनती है, उसका जीवन नरक हो जाता है। मुझे अपनी बेटी के जीवन में कोई चकाचौंध नहीं चाहिए साई, इसलिए संगीत और संगीत की दुनिया उससे दूर रहे बस। आई, मैंने जो गाना गाया उसकी वजह से रो रही हो ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी भी ये गाना नहीं गाऊंगी और स्वर्णा मौसी के पास भी कभी नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ साई। देखा माई, तुम्हारी खुशी तुम्हारी चंपा के लिए कितना मायने रखती है। केवल तुम्हारी खुशी के लिए उसने यह गाना ना गाने का वादा कर दिया। गायन तो देवी सरस्वती का वरदान है, आशीर्वाद है उनका जो सबको नहीं मिलता। अगर देवी सरस्वती ने चंपा को सुर दिया है, लय दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। और ऐसा कभी मत सोचना कि जो स्त्री गाती है या गाना चाहती है वो एक आदर्श जीवन नहीं जी सकती। साहिब, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। सुवर्णा बाई उदाहरण है, उसका यही गुण तो अवगुण बना है साहिब, जिसके कारण ही वो तमाशे वाली बनी। मैंने कहा ना, ईश्वर कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। सबके पीछे उसकी कोई ना कोई योजना जरूर होती है। मैंने तय किया है कि तमाशे की शुरुआत एकादशी की रात उसी समय शुरू होगी जब साई मारुति मंदिर में अपना कीर्तन शुरू करवाएगा। इस बार ये फैसला हो ही जाए कि लोगों के लिए भक्ति बड़ी है या भोग।